लेकिन अब क्योंकि हम आपसे रूबरू हैं और हमने आपको पहले ही बता दिया आज हम राजनीति की बातें कम करेंगे आपकी बातें ज़्यादा करेंगे तो हमें बिल्कुल शुरू से बताइए जहाँ से हमने शुरुआत की कि पाकिस्तान से आपके माता पिता यहाँ पे आए थे आपका जन्म हरियाणा में हुआ वो दौर और आज हम 2023 में हैं तो ये जो सफ़र रहा खट्टी मीठी यादों का ये हमारे दर्शकों के साथ जो टीवी पर आपको देख रहे हैं और जो इस मंच के सामने बैठे हैं उनके साथ साझा कीजिए मुकेश जी ये कहानी बहुत लंबी है आ, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आ, देश स्वतंत्र हुआ ये प्रसन्नता ये खुशी सबको थी लेकिन एक पीड़ा और एक गम देश के बहुत बड़ी संख्या में जो लोग ऐसे थे जिन्होंने देश की विभाजन की पीड़ा को सहा देश का बंटवारा हुआ दोनों बातों का एक मिला जुला सा प्रतिक्रिया उस समय की घटनाक्रम को देखते हुए होता है परिवार ठीक कहा पश्चिमी पंजाब के झंग जिले से आकर के और हरियाणा के अलग अलग स्थानों पर रहने का अवसर मिला जमीन कहीं अलॉट हुई मकान कहीं मिला और फिर सब इकट्ठा करते हुए रोहतक के गांव में हमारे पिताजी खेती करने के लिए ज़मीन जो है उन्होंने खरीदी दादाजी दुकान करते थे तो इस प्रकार से वो जो बचपन है, खास करके प्राइमरी शिक्षा का वो आज भी आंखों के सामने झलकता है कि किस प्रकार की कठिन परिस्थितियों में परिवार ने उस समय सारे घटनाक्रम में से आगे बढ़ने के लिए जो एक संकल्पित एक परिवार होता है उस प्रकार से मुझे लगता है कि हमारे परिवार ने बहुत मेहनत की पढ़ाई के करते हुए पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए कठिनाइयाँ बहुत आई लेकिन फिर भी मैं इस विषय का श्रेय अपने माता जी को देता हूँ जैसा कहते हैं ना कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है तो मैं उस नाते से अपनी माँ को आज के सफलता के श्रेय में उनको ये श्रेय देता हूँ कि उन्होंने मुझे पढ़ाई के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया वो बचपन की सब यादें दसवीं हो गई फिर बारहवीं हो गई फिर व्यापार शुरू किया दिल्ली में चला गया बहुत लंबा घंटाक्रम है लेकिन कुल मिलाकर के संघर्ष के वो जब दिन याद आते हैं और कभी ये सोचा भी नहीं था कि इस स्थान पर कभी समाज की सेवा करने का अवसर मिलेगा ये तो सपने भी कभी आया नहीं था लेकिन परिस्थितियाँ बनी और मुझे लगता है कि जीवन में अगर शुद्धता से सदाचार से संकल्प शक्ति से मेहनत करते हुए आगे चलो और फल की चिंता न करो गीता का वो श्लोक कर्मण्यवादिका रस्ते माफले लेशु कदाचना अगर करते रहेंगे तो जीवन में सफलता मिलेगी आपको अवसर मिलेगा मैं इतनी बात कह सकता हूँ